Hey viewers, I am here again with my another video today. I really hope my videos are helpful to you. So our today's topic is WH family. WH family is a group of words which are used for question asking, and the same words are also used somewhere in the topic of conjunctions. The words are same but the uses are different. So we learn that in this video. So, the topic is WH family, W and H family. These two are separate. These words are used in the questions. Questions are those sentences which have the question mark at their end and the conjunctions. Let me tell you first what are conjunctions. Conjunctions are the word used to connect clauses or sentences. These words are also known as joiners. The words that join two different sentences which have link with each other. Okay, so now the basic words for the question asking as well as the conjunctions are: first one is what, when, where, why, which, who, whose, whom. These are from W family, and H family has how. These are the basic words for asking questions. Many more words are also made with the help of these words for asking questions. So in the next video we will learn, in the next slide we will learn the words. Let me tell you the words which I have written with the help of L and NL. Like this, in the second we have written L at the end of the word con jo. L stands for living beings, for the persons, people, and NL stands for non-living, like things, places, any item or any object. Okay, so our first is what. What ko hum Hindi mein kehte hain kya ya jo. Kya ka matlab hum use karte hain question sentence mein, aur jo ko bhi kehte hain kya, sorry, what. जो हम यूज करते हैं कंजंक्शंस के लिए. द वर्ड इज सेम व्हाट. व्हाट का मतलब क्या होता है क्वेश्चन में यूज करने के लिए, और जो होता है कंजंक्शन में यूज करने के लिए. सो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन. इट इज व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. क्या का आया यहाँ पे वर्ड, मतलब ये क्वेश्चन है. द नेक्स्ट इज हु मीन्स कौन. ये एक किसी लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं हम हु, कोई पर्सन के लिए. हु इज योर सिस्टर. आपकी सिस्टर कौन है, आपकी बहन कौन है. लाइक हु इज योर ब्रदर. आपका भाई कौन है. हु इज योर मदर. आपकी मदर कौन है, आपकी माँ कौन है. द नेक्स्ट इज विच, मतलब कौन सा. जब हम बोलते हैं ना कौन सा घर है तुम्हारा, विच हाउस इज योर्स, और विच इज योर हाउस. कौन सी चीज है तुम्हारी, विच इज योर आइटम, और विच इज योर ऑब्जेक्ट. विच का मतलब होता है कौन सा, जो हम यूज करते हैं किसी नॉन लिविंग चीज के लिए. नॉन लिविंग, प्लीज याद रखिए, नॉन लिविंग. द नेक्स्ट इज हुज, मतलब किसका. हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, किसका, किसकी, इसका मतलब होता है हुज. हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है. नेक्स्ट इज ऑफ विच, मतलब किसका, इसका मतलब भी होता है किसका, ये होता है नॉन लिविंग के लिए. ही आंसर्ड ऑल द लिसनिंग एंड रीडिंग एक्सरसाइजेस ऑफ विच द टेस्ट मोस्टली कंसिस्टेड. मतलब उसने लिसनिंग और रीडिंग एक्सरसाइजेस सारी करी, सबके आंसर्स दिए, जिसका मोस्टली टेस्ट में हिस्सा था. जिन क्वेश्चंस का मोस्टली उस टेस्ट में हिस्सा था, किसका था, उनका, उन क्वेश्चंस का, लिसनिंग एंड रीडिंग एक्सरसाइजेस का. द नेक्स्ट इज वेयर, मतलब कहाँ. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रहते हो. वेयर डू यू ईट, तुम कहाँ खाते हो. वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो. द नेक्स्ट इज हुम, मतलब किसे. बाय हुम, टू हुम, किसे या किसको. टू हुम शुड आई आस्क द वे टू स्टेशन, मुझे स्टेशन का रास्ता किससे पूछना चाहिए, किसे या किसको पूछना चाहिए.
हम अपने मन में कहते हैं, अपने आप से कहते हैं ना कि हमें, मैं किससे पूछूं ये रास्ता, किसको पूछूं या किससे पूछूं, तो टू हुम शुड आई आस्क द वे टू स्टेशन। याद रखिए क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं सेंटेंसेस के एंड में। द नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट, किस लिए या जिस लिए, फॉर व्हाट रीजन यू आर लीविंग योर जॉब, किस लिए तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो। द नेक्स्ट इज व्हाट फॉर, उसका मतलब भी होता है किस लिए, व्हाट फॉर यू आर बोरिंग द मनी, किस लिए तुम पैसे उधार मांग रहे हो। सिंस व्हेन, कब से, इसमें प्रॉपर टाइम बताते हैं जिसे हम निश्चित समय भी कहते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन लंडन, सिंस का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई टाइम पीरियड बताना हो, सॉरी प्रॉपर टाइम बताना हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1920, कोई ईयर बताना है कि हम इतने साल से, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, सिंस 1920, इस सन से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं सिंस में। सिंस व्हेन यू आर, हैव यू बीन लिविंग इन लंडन, आई हैव बीन लिविंग सिंस 1920। द नेक्स्ट इज फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब भी होता है कब से, इसमें हम प्रॉपर टाइम पीरियड बताते हैं, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे, 4 घंटे है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कब से पढ़ रहे हो, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हेन, मतलब कब से, फ्रॉम व्हेन विल यू बी ज्वाइनिंग द ऑफिस, तुम अपना ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो, फ्रॉम व्हेन विल यू बी ज्वाइनिंग द ऑफिस। विद हुम, मतलब किसके साथ, विद हुम विल यू बी कमिंग, तुम किसके साथ आओगे या तुम किसके साथ आओगी। फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम आर यू कुकिंग पास्ता, तुम पास्ता किसके लिए बना रहे हो। विद हुम मतलब किसके साथ, फॉर हुम मतलब किसके लिए, विदाउट हुम मतलब किसके बिना। तो नेक्स्ट इज विदाउट हुम, किसके बिना या जिसके बिना, विदाउट हुम विल यू बी कमिंग, तुम किसके बिना आ रहे हो, मतलब काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और में से कोई एक या दो जने जो नहीं आने वाले, तुम पूछोगे तुम किसके बिना आ रहे हो, मतलब उसके बिना आ रहे हैं हम, वो नहीं आएगा हमारे साथ। द नेक्स्ट इज अबाउट हुम, मतलब किसके बारे में, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम द पोस्टर हैज बीन मेड, यह पोस्टर किसके द्वारा बनाया गया है। टूवर्ड्स हुम, मतलब किसकी तरफ, टूवर्ड्स हुम आर यू मोर लॉयल, तुम किसकी तरफ ज़्यादा वफादार हो। हाउ मतलब कैसे, हाउ डिड यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तुम एक्सीडेंट, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, हाउ डिड यू मेट विद एन एक्सीडेंट। अनटिल व्हेन मीन्स कब तक, अनटिल व्हेन आर यू हेयर, तुम यहाँ कब तक हो, और अनटिल व्हेन विल यू बी लीविंग, तुम कब तक यहाँ से निकलोगे। हाउ मैनी मतलब कितने, और हाउ मच मतलब कितना। हाउ मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए, जिन्हें हम गिन सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, और हाउ मच जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, अब बॉटल में कितना पानी है वो हम गिन नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बॉटल में एक पानी है, दो पानी है, हम कह सकते थोड़ा पानी है या ज़्यादा पानी है। तो हाउ मैनी मतलब कितने फॉर काउंटेबल, हाउ मच मीन्स कितना फॉर अनकाउंटेबल। द एग्जाम्पल विल बी हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है, आप कोई कहेगा मेरे पास एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है। हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल, बॉटल में कितना पानी है, आपको ये तो नहीं कहेगा कि बॉटल में एक पानी है, दो पानी है, हम कहेंगे बॉटल में थोड़ा पानी है। द नेक्स्ट इज वट एवर, मतलब जो कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट हैव इट फ्रॉम देयर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वहाँ से ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी चाहिए तुम वहाँ से ले लो। वट सो एवर, जो कुछ भी, हिज पेरेंट्स वुड नेवर रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट वट सो एवर,
मतलब उसके पेरेंट्स उसकी कोई भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे, जो कुछ भी वो मांगे, व्हाटसोएवर ही वांट्स, हूएवर मतलब जो कोई भी, व्हाटएवर मींस जो कुछ भी, हूएवर जो कोई भी, विच एवर जो कुछ भी, वेन एवर जब कभी भी, हूएवर जो कोई भी, गिव इट टू हूएवर आस्क इट फर्स्ट, जो पहले मांगता है, जो कोई भी पहले मांगता है उसको दे दिया जाए, विच एवर ड्रेस यू लाइक यू कैन वियर इट, जो कुछ भी ड्रेस तुम्हें अच्छी लगे या जो कोई भी ड्रेस तुम्हें अच्छी लगे तुम उसे पहन लो, वेन एवर यू फील लाइक टॉकिंग जस्ट कॉल मी, जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो. हे व्यूअर्स, द नेक्स्ट इज हाउ एवर, जैसे भी, हाउ एवर फास्ट वी ड्राइव वी आर नॉट गोइंग टू रीच ऑन टाइम, जैसे भी हम तेज चला लें हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हुसोएवर जिसे भी, हुमसोएवर वांट्स टू गो टू मूवी गेट रेडी, जिसे भी मूवी जाना है वो तैयार हो जाए, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू मैम, हम आपके लिए मैम और क्या कर सकते हैं, व्हाई सो ऐसा क्यों, व्हाई सो आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, Why so are you doing this? The next is where as, जब भी, sorry जब की, the South India has a hot and dry climate, whereas the North India has wetter climate. South India का जो climate है वो hot है और dry है, जबकि North India का wet है. At what time? किस समय? At what time will you call me? तुम किस समय मुझे कॉल करोगे, हाउ कम मतलब कैसे, हाउ कम योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर, तुम्हारी इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी हो रही है, वेंस मतलब कहाँ से, वेंस दिस ट्रैवलर केम, ये ट्रैवलर कहाँ से आया, द नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, What type of dress you want to wear? तुम्हें किस तरह की ड्रेस पहनना पसंद है? In what way? किस तरह से? In what way do you think she was beautiful? किस तरह से तुमने ये सोचा कि वो लड़की सुंदर है? In which? मतलब किस में? This is the city in which I grew up. यह वह सिटी है जिसमें मैं बड़ी हुई. अब यहाँ पे in which का यूज़ किया गया है कंजंक्शंस के तरह से, नॉट फॉर द क्वेश्चंस. द आई हैव मेड अ बॉक्स इन विच आई हैव रिटन, द फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ और विच टाइप, दीज वर्ड्स आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ईच अदर ऑल्सो, दे ऑल मीन्स द सेम. द नेक्स्ट इज इन व्हाट वे और एट व्हाट वे, दे ऑल्सो मीन्स द सेम, मतलब किस तरह से. So these were the WH family words which are usually used in questions and conjunctions. I hope the topic is clear to you. If you still have any problem, please tell me. I'll help you with the problems. The last thing I would like to tell you is that in these examples, somewhere I have used the question sentences and somewhere I have used the conjunction sentences. The sentences which are ending with a question mark is the question sentences. The sentences which are ending with the full stop, these are the conjunction sentences. I have explained you thoroughly in the topic. If you still find any confusion regarding the question sentences or conjunctions, please let me know. Thank you.